बैल ठीक बढ़िया। सलीम भाई जी। कुर्बान भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कुर्बान भाई क्या हाल है सिस्टर? ठीक हैं आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई तो बड़ा मजे का टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। तो जी। कुर्बान भाई अपना तारुफ करवाएंगे। तारुफ क्या कराना है, बस पिछले दिनों भी आपसे बात हुई थी तो अच्छा, आप इस्माइली आपके भाई हैं हमारे। अच्छा जी, 110% इस्माइली। आप सोचो, ये कुर्बान भाई मसला हल करवा दो ना। ये जो मौलाना कृष्णा वाली बात है, खलील अंदानी भी जी आपके इस्माइली ग्नोसिस के मिशनरी वहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं और सब कुछ इस्माइली विजडम से कनेक्टेड है। फिर अबू अली मिशनरी के भी वाइज आपने सुने, तो हकीकत क्या है? क्या मतलब ये आप मानते हैं कि हाजिर इमाम पहले मौलाना कृष्ण हाजिर इमाम थे? अच्छा नहीं है, ये 100% ठीक आप कह रहे हैं, ये थे, ठीक है ना। ये भगवान भी, ये भगवान भी है, ये कृष्ण भी है, ये मतलब हर सिंपल में है ये, ठीक है ना। अच्छा अच्छा इसमें कोई ठीक। कोई शक नहीं है, ठीक है। कोई कोई भूत समझ के पूजा करता है, कोई क्या मतलब फन तो उनका ही उधर जाहिर है। अच्छा अच्छा मेरी जो समझ है ना, वो आपके लिए तो कोई डॉलर वाला, आपके नजरों में कोई डॉलर वाला अंग्रेज है, कोई शराब बेचने वाला मतलब डोनर है, मतलब ना मेरे नजरों में, और जो जो पक्के और सच्चे इस्माइली है ना, आप उनके जिस्म के हर हिस्से में ना सीख घुसेड़ो, जो भी करो, लेकिन वो तो पक्के हैं, वो आप लोगों पे हंसते हैं ना। मतलब आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हो कि इस्माइलियों को मुसलमान बनाने के चक्करों में, वो इतने हंसते हैं कि मुझे रोना आता है आप लोगों पे ना। तो मतलब जो आप अच्छा ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं कि यार इस्माइलियों को मुसलमान बनाते हैं, उनके नजरों में आप मुसलमान के दायरे से ना बिल्कुल मतलब दूर हैं, उनके सोच उनकी इस्माइली समझ को के मुताबिक। मुसलमान बनाते हैं। दोबारा जरा बोलिएगा, क्या हम क्या बनाते हैं इस्माइली को? आपकी जो मिशन जो चल रही है ना, मतलब आप जो कोशिश कर रहे हैं, मतलब इस्माइलियों क्या को कोशिश क्या कर रहे मुसलमान, हैं? जो जो आप जो कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपकी नजरों में इस्माइली जो है आपके सोच में काफिर है, वही है ना आपके सोच में। मतलब इन्होंने आगा खान को पकड़ा हुआ है, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो इमाम नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, लेकिन लेकिन कुर्बान भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्माइली को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप ये आपका हाँ कहने का मतलब ये है कि इस्माइली मुसलमान नहीं है? यार, वो आपकी नजरों में नहीं है ना, वरना वो मुसलमान तो इस तरह के मुसलमान है कि मुसलमान के जो लाइन नहीं है, वो मस्जिद में आप नमाज पढ़े हैं ना, सामने वो इमाम मस्जिद होता है, वो एक लाइन होती है सामने, वो नहीं, इस्माइली लेकिन उस आप लाइन ये में मेरे को आपने को बता रहे समझते हैं हैं। कि इस्माइली इस्माइली है या इस्माइली मुसलमान है या इस्माइली, तो मतलब आप क्यों बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आप इस्माइली को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग मुख्तलिफ चीजें हैं, बराबर है? इस्माइली और मुसलमान दो अलग चीज है कि नहीं है? नहीं, वो आपकी नजरों में अलग है ना, हम तो इतने नहीं, आप ही तो खतरनाक बोल रहे हो ना मुसलमान कि हैं। खतरनाक अच्छा, आप बहुत खतरनाक मुसलमान, मुसलमान है। हाँ, मतलब 110% क्या क्या मुसलमान चीज है है वो? जी। अच्छा, खतरनाक क्यों है टॉपिक पे मुसलमान? वापस आते हैं। हाँ, जैसे सलीम खतरनाक भाई, मतलब हाँ ठीक ठीक एक खतरनाक सेकेंड, मुझे जरा वो कहने का कंक्लूड कर मकसद लीजिए। कुर्बान भाई, ना डिस्कशन करूंगी, जी। ना डिबेट करूंगी, ना बहस करूंगी, सिर्फ इतना पूछना था कि आप इस बात को मानते हो कि हाजिर इमाम कभी कृष्ण भगवान भी थे? मानते हो इस बात को? नहीं, उनमें वो सलाहियत अल्लाह पाक ने दी है, वो कृष्ण भी बन सकता है, वो हर चीज बन सकता है, वो क्या है आपको यार। कृष्णा कृष्णा पता है क्या कौन था? आपको पता है कृष्णा कौन था? देखो मेरी बहन, कृष्णा कौन था कौन क्या नहीं था, हम उधर नहीं जाते हैं। कहने का मकसद आपका सवाल ये है ना, आपने जो एक चैनल जो ऑन किया है ना, थोड़ी सी मेरी भी बात सुनो, जो अब पूरी दुनिया बिल्कुल को जो सुनता है ना एक
मेरी बात सुने, जो आपने एक सिस्टम चलाया वो अच्छी बात है, आप कोशिश करते रहे, कोशिश करें कोशिश करें, जितना हो सकता है कोशिश करें। लेकिन ना जो पक्का मुसलमान और पक्का इस्माइली है ना, वो तो कभी आपके जो जो आप चला रहे हैं ना सिस्टम, उसमें ना फंसने वाला है ना बिगड़ने वाला है। मैं ये अच्छा कहना चाहता हूँ। कुर्बान भाई, जो सच्चा और जी पक्का मुसलमान होता है, जी क्या वो कृष्ण भगवान को भगवान मानता है? नहीं मानता है। फिर आप क्यों हाजिर इमाम को कृष्ण भगवान मानते हो? ओ भाई, जो भगवान को मानते हैं उनके लिए तो वो बनता है ना, जो कृष्ण को मानते हैं उनके लिए तो बनता है। हमें तो हमारा इमाम है, हमारा तो कुर्बान हमारा डायरेक्टली इमाम के साथ कांटेक्ट है, जो कुर्बान उसको साहब, मानता आपके है तो दोबारा कृष्णा और एक सेकंड भगवान रुला को। भाई, मुझे सिर्फ पांच जी दस हाँ मिनट चाहिए कुर्बान भाई के साथ, ताकि जो है ना कुछ मुझे जो कंफ्यूजन है इस्माइलिज्म के हवाले से। अच्छा, इस्माइली जी मजहब में हाजिर इमाम को कृष्णा भगवान कहते हैं, ये आप मानते हो बात को? ये ना हमने सुना है आपके मुंह से, पहली दफा सुना, हमने तो ये चीज नहीं सुनी है। ठीक है, इस्माइली फिर मजहब में आपने कोई कैसे कहा? कृष्णा हाँ, नहीं, हमने नहीं सुना है। लेकिन ऐसा है ना, मैं आपको जस्ट ये मिसाल दे रहा हूं कि हमारे, अब हमारे इंडियंस भाई हैं, ठीक है, वो भगवान मानते हैं, वो कृष्ण को मानते हैं, उनके लिए कौन हल करता है? अल्लाह, अल्लाह ही हल करता है। जरूरी नहीं है, अच्छा, वो जाहरी बात है, वो भगवान को पूजा करते हैं, उनका कोई मसला हल हो रहा होता है, उनकी मिन्नतें पूरी हो रही होती है, लेकिन कौन करता है? वो अल्लाह पाक ही करता है। समझ गए आप? अच्छा, जो जो कृष्ण और भगवान को मानते हैं, हम तो नहीं मानते, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम इमाम को मानते हैं, हमने देखा है, हमने मौजीजे देखे हैं। अभी मैं आपको क्या बताऊं, वो आपको मैं सीना कुर्बान फाड़ के भाई, दिखाऊं? जी ठीक है, नहीं, आप खुद को नहीं मारो। मैं ये पूछ रही थी कि आप गिनान गिनान पढ़ते हो जमात खाने में? बिल्कुल पढ़ते हैं, पीर शम्स को जानते हैं? पीर शम्स कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल जानते हूं। जो आपने सुना है ना उसकी तारीफ, वो 100% सही है। पीर शम्स ठीक है, अच्छा, पीर जिसने शम्स सूरज को साहब का उतार जो दिया है, था नीचे। सुने तो सही, पीर शम्स का गिनान मैंने स्क्रीन पे लगाया है। वो ये कहते हैं कि हिंदुओं की जो किताब थी अथर्ववेद, उसमें दसवां जी अवतार यानी कि दसवां अवतार खुदा का यानी कि अल्लाह नाउजु बिल्ला, दसवीं शक्ल जी में जो थे वो हाजर इमाम की सूरत में इस दुनिया में आए। ये सामने आपके देखे मैंने लगाया है, ये आपकी किताब ठीक है है, 10 होली गिनान। तो जी आप इस पे जी यकीन करते हैं कि अल्लाह जो है नाउजु बिल्ला दसवें अवतार यानी दसवीं शक्ल में हाजर इमाम की सूरत में आए, वो भी हिंदुओं की किताब में लिखा है? मानते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल मानता हूं मैं, कोई शक नहीं है, कोई ओके, शक गुड, नहीं है। मेरी बात सुने, माशाल्लाह। मेरी बात सुने, वो अल्लाह पाक में इतनी इतनी ताकत, वो हर कुछ बन सकता है, हर चीज बन सकता है, हर फन दिखा सकता है। ठीक है, उसमें क्या हो गया है, अच्छा, उसमें अल्लाह जो कोई है, प्रॉब्लम? एक सेकंड कुर्बान भाई, जी जी अल्लाह जो है वो जी कुछ भी बन सकता है, अल्लाह इंसान भी बन सकता है क्या? इंसानों के बीच में किस तरह वो तबलीग करे अल्लाह पाक आपको, ठीक है, हाँ हाँ, मुझे ये बताए ना, आप और मेरे बीच तो में किस आप, तरह आके मेरे को समझाए, आपको समझाए। कुरान तो कुरान पाक ठीक है, वो एक लिखी हुई तस्वीर है, कोई लिखी तस्वीर है, पढ़ के ओके, सुनाए, आप और मेरे बीच में कैसे कैसे अल्लाह के मौजूदे हम कैसे देखें? किताब तो बंद पड़ी उसके हुई है लिए कुरान पाक में, मैं उसकी मैं इज्जत करता हूँ, मेरी जान हाजिर है कुरान पाक के लिए। वो तो आपने घर में अच्छा, ऊपर तख्ते में सजा के रखा है, तो पढ़ने वाला कोई एक नहीं है सेकेंड, तो। अच्छा कुर्बान भाई, मसला हल नहीं हुआ। अगर अल्लाह ने जी अपनी बात समझानी है तो वो क्या इंसान की शक्ल में आएगा या नहीं आएगा, ये जरा बता दीजिए। देखो मेरी बहन, जी भाई, अल्लाह का जो पैगाम दुनिया में फैलाना है, किसी जरिए में किसी शक्ल में आना है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, जब तक दुनिया में इमाम की किसने गैर हाजिरी होगी वो आना है कयामत के दिन आएगा। कुर्बान भाई? किसने जी पैगाम फैलाने के लिए आना है? अल्लाह ने खुद आना है?
अल्लाह ने कोई जरिया रखा है, अल्लाह ठीक खुद है? आता है, मैं सवाल करूं, अल्लाह खुद अल्लाह आता है जमीन पे? अल्लाह खुद नहीं आता है मेरी बहन, अब भी वो बच्चों तो वाली वो फिर नहीं है पीर शम्स वो। झूठ नहीं कुर्बान भाई, फिर पीर शम्स जी झूठ बोल रहे हैं, पीर शम्स झूठ बोल रहे हैं। पीर शम्स 100% सही बोल रहे हैं, अब आपकी तो समझ फिर में आप आए झूठ तो बोल रहे ना। हो, फिर आप झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल आप कहते हो अल्लाह रहा किसी शक्ल में नहीं आता, पीर शम्स कहते हैं कि अल्लाह जो है वो 10वीं अवतार में दुनिया में आए हाजिर इमाम की शक्ल में। आप सही हो या पीर शम्स सही है? पीर शम्स भी सही है और मैं भी सही हूं। पीर ऐसा नहीं हो शम्स सकता ना, 100% एक सही आदमी है। कहता है नहीं आ सकता, एक कहता है आ सकता है, आप दोनों में से कौन सही है? पीर शम सही है और मैं भी सही हूं, ठीक है मैं ना? आप इमाम मैं भी हो कह रहा या हूं आप कि पीर हो? जी आप भी आप पीर हो? 110%। हाँ बोलो बोलो, सॉरी क्या इट्स ओके बता? कुर्बान भाई, जी, आप पीर हो? मैं पीर नहीं हूं, मैं पीर की ताईद करता हूं। अच्छा, तो आपको जो तालीमात मिली है वो आपको किसने दी है, पीर ने दी है इमाम ने दी है? पीर ने अपनी वक्त में दी है, उसके बाद मेरे इमाम ने दी है। मेरे इमाम ने मुझे क्या, इस्माइली को क्या, वो पूरी दुनिया को दे रहे हैं वो। मतलब मेरी, देखो मेरी बात सुने, आपकी नजरों में आप ठीक बोल रहे हैं। अभी आप जो इस चैनल पे चल रहे हैं ना, आपके साथ जो चंद दो तीन जो है वो, जो आप लोग सही चल रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच यहाँ तक है ना। वो थ्री पीस पहनता है, वो क्लीशन करता है, वो दाढ़ी नहीं छोड़ता है। ओ भाई, उस जमाने में वो ब्लेड नहीं थी, वो दाढ़ी काटते नहीं थे। दाढ़ी से क्या मकसद है? ब्लेड इधर नहीं था, नाफ बिल्कुल तक, नाफ तक दाढ़ी छोड़ के अगर बुरा काम करे तो उस दाढ़ी पे क्या क्या करें हम कुर्बान उस भाई दाढ़ी का। आखिरी सवाल, कुर्बान भाई मेरा तो जी आपसे आखिरी सवाल, और वो आखिरी सवाल ये होगा कि आपने जी कुरान की तालीमात कितनी हासिल की है, आपने कुरान कितना पढ़ा है? देखो मेरी बहन, कुरान पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। जिंदा कुरान, जिंदा कुरान मेरे लिए माशाल्लाह, हर कोई मेरे लिए। आप है ना, आप जो है ना, आप अगर मुझे अच्छा सिचुएशन देती हैं तो वो आप कुरान के हवाले से, वो मैं कुरान हो गया। आपकी बात को मैं समझूंगा कि यार ये मेरी अच्छा बहन मैं, सही बात कर रही है कुरान के हवाले से, ठीक है? कुरान कुर्बान पढ़ना भाई लाजमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अनपढ़ हूं तो कुरान में क्या करूं? मैं पढ़ नहीं सकता हूं, तो मैं आपकी बात पे अमल करूंगा ना, ठीक है? जरूरी तो नहीं है मुझे कुरान, मैं अनपढ़ हूं। आपको पता है पूरी पाकिस्तान में 75% अनपढ़ हैं, 25% पढ़ते हैं, तो अब वो क्या करेंगे? सेवेंटी आप फाइव परसेंट कुरान का आपके ख्याल में तर्जुमा पढ़ नहीं सकते? अच्छा सुने, कुरान आप पढ़ नहीं सकते लेकिन कुरान का तर्जुमा सुन तो सकते हैं ना? मैंने सुना है सिस्टर, मैंने सब सुना है। मेरी बात सुने, मेरी प्लीज देखो, कितना सुना आपकी है? बात हम आपकी बात सुनते हुए आ रहे हैं। मैं अक्सर आपका चैनल ऑन करता हूँ ना, तो आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, बस एक ही चैनल पे लगे हुए हैं, लेकिन मुझे हंसना भी आता आर्ट्स है चैनल और है। रोना भी आता है, क्योंकि आप लोग ना इस वक्त एक अजीब रूट पे चल रहे हैं। मतलब को आप मतलब ठीक है, बल्कि आप ऐसा करें कि पूरी पूरी दुनिया में जो मुसलमान भाई है ना, जो मुसलमान है, उनके लिए सिर्फ तीन चार टॉपिक पे आप बात करें। मतलब आपने चोरी नहीं करनी है, कत्ल नहीं करना है, फितना नहीं फैलाना है, बाकी आपका कब्र अपना, आपका क्या कहते हैं यार, जन्नत जहन्नम आपका, वो अल्लाह ठीक है, अच्छा बैठे हुए हैं ना मेरी यार, बात वो सुने कल हिसाब कुर्बान भाई, करेंगे। मेरा जी मेरा तो मेरा डिस्कशन आपसे हो गया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें आपके मुंह से निकलवाने के निकलवा ली, इसके बाद मैं हाँ हाँ हवाले वो तो करूंगी। कुर्बान मैं भाई दोबारा मुझसे भी सवाल कहूंगा, करना वो चाहता है? दोबारा भी निकलवाने वाली बात नहीं करूं ओके मैं, नो प्रॉब्लम, दोबारा एक 10 दफा कहूंगा मैं, जो मैंने पहले कही है ना वो हकीकत है, उसमें कोई जूठ डर जबरदस्त मर कुछ भी नहीं है, समझ गए आप? जबरदस्त। नूरुल्ला भाई हंड्रेड कुछ कहना परसेंट चाह रहे थे और सलीम भाई कुछ कहना चाह रहे थे। जी ओवर टू यू। कुर्बान भाई, ठीक एक बात तो पक्की है आपकी, इतनी बातों से एक बात तो समझ में आ गई कि जी आप 110% इस्माइली है। बिल्कुल, बल्कि 120%, गुड 10 और बढ़ाओ, समझ गए? आप गुड, लोग हंसते हो ना, मुझे मजा आता है जब आप लोग हंसते हो ना, बहुत मजा आता है मुझे। अरे यार कुर्बान भाई आप कैसी बात कर दो भाई, थोड़ा तो जरा अपनी अकल लगा के सोचो कि यार इंसान कैसे खुदा हो अकल, सकता यार है यार। अकल इस्माइली लोग नहीं है, अकल इस्माइली लोग बेचते हैं,
आपको पता है अकल की कारोबार करते हैं इस्लामी लोग, समझ गए अपनी भी आप? बेच देते हैं, अपनी भी बेच ठीक देते है, हैं। अकल बेच देते हैं। बिल्कुल, अकल बेचते हैं हम, हाँ अकल के कारोबारी हैं हम, इतना फकर करते हैं इस्माइली, नहीं, मुझे समझ गए आप? मुझे कुर्बान भाई से मुझे जी 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट अगर आप हाँ, बस परमिशन वही दो कहूँ, तो। 10 मिनट ले लो यार, क्या है? नहीं कुर्बान भाई, आप जी बोल जी रहे हो कि मैं मुसलमान भी हूँ, इस्माइली भी हूँ, तो बिल्कुल। माने आप जमात खान जाते हो उसका मतलब? जाते हैं यार, फिर किधर जाएंगे? जमात अच्छा खाने में अच्छा अच्छा जाना अरे है। अरे हाँ अरे आराम से आराम से भाई, कोई कोई गिला शिकवा नहीं हाँ यहाँ आराम पे, आप से तो ही बड़े। हूँ मैं। हाँ तो आप जमात खान में क्या करते हो? दुआ पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो? बिल्कुल बढ़ते हैं, नहीं, नमाज नमाज पढ़ते हो कि दुआ पढ़ते हो? दुआ पढ़ते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये दुआ, तो फिर ये हाजरी इमाम जो है, तो हाजरी इमाम क्या पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ते हैं? हाजिर इमाम जो भी पढ़ते हैं उससे हमारा कोई अरे जो कंसर्न नहीं है। मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि आप, मैं हाजिर इमाम से पूछूं कि आप क्या पढ़ते हैं। वो जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, उससे नहीं मेरा कोई आपको वास्ता पता नहीं। है, जो हाँ अच्छा, नहीं जी आपको पता है कि आपके हाजिर इमाम के जब बच्चों की शादी होती है, या आपके हाजिर इमाम की शादी जब किया था हाजिर इमाम ने बेगम इनारा से, तो जमात खाने में तालिका भी जाया था उन्होंने कि जी मेरी मैंने शादी की है, फिर बच्चे की शादी हुई तो बच्चे की शादी का तालिका भिजाया था। तो फिर ये भी बोलना चाहिए ना हाजिर इमाम को भी, भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ या दुआ पढ़ता हूँ, क्योंकि आपका इमाम है ना वो, बिल्कुल नहीं आपका इमाम? है, क्यों नहीं है? तो फिर वो क्यों, माने जैसा कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो जी जब थे तो वो बोलते थे कि जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, मैं नमाज जैसा पढ़ता हूँ वैसा पढ़ो, तो फिर आप दुआ किसको देख के पढ़ते हो, हाजिर इमाम को देख के पढ़ते हो कि नहीं? देखो, आपके पास पूरी हमारी इस्माइलिज्म की हिस्ट्री है। आपको पता है हम किस तरह पढ़ते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, आपको हर चीज पता है। तो मैं आपको क्या कहूँ, जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, हम उसी पे नहीं नहीं ही चलते आप, हैं। हाँ नहीं मैं मेरी बात आपसे सुने ना। आपने अभी अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पक्का इस्माइली हूँ, तो फिर उस बिल्कुल बात पे मैं पूछ रहा था आपको कि अगर आप पक्के इस्माइली, तो आपको तो पता होनी चाहिए ना ये सारी बातें कि पता है ना जो पक्का मुझे। इस्माइली है देखो उस। मैं, देखो मेरे भाई, मैं जमात खाने जाता हूँ, जो आप डेली, मैं डेली सुनता हूँ ये दसवन, ये फलान, ये नंदी, ये ड्रामे, ये पैसे पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। ओ भाई जान, कहाँ ले जाते हैं मुझे बताओ। नवाज शरीफ जरदारी की तरह पनामा तो नहीं बनाया ना यार। वो आपको पता है, अच्छा आपके खर्च पानामा हो रहे में हैं है नाम, आपके। पैराडाइज लीक वाले पेपर, पैराडाइज पेपर में आपके हाजिर इमाम का नाम है। अच्छा तो एक होना सेकेंड चाहिए, जो होना लोग, चाहिए मेरी एक सेकेंड बहन, कुर्बान ठीक है भाई, मैं मानता हूँ, जी, कुर्बान भाई होना रुको एक चाहिए, मिनट, होना रुको रुको चाहिए। देखो रुको मेरी रुको। बात सुने ना, अच्छा हमारा ना, कुर्बान भाई 2 मिनट जा, बात सुन लो। हमारा 2 घंटे का टाइम पूरा हो गया। मैं जो यूट्यूब पे लोग हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये प्रोग्राम एंड होने लगा है, आप दोबारा रिफ्रेश कीजिएगा, तो डिस्कशन विद कुर्बान अली के नाम से दोबारा से व्हाट्सएप, अगर अपना यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको डिबेट मिल जाएगी। अभी कुर्बान भाई बात करेंगे, हमारे बाकी इस जो भाई हैं रिवर्ट भाई उनसे करेंगे। मैं चेंज कर रही हूँ, काइंडली दोबारा से ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर, जहां पर आप ऑलरेडी मौजूद हैं। ये प्रोग्राम यूट्यूब वालों के लिए ऑफ होने लगा है, दोबारा न्यू प्रोग्राम बनने लगा है। जी कुर्बान भाई, अच्छा तो जी नहीं हाँ तो नहीं नहीं तो आप